घरेलू गैस सिलेंडरों की हो रही अवैध कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सिलेंडरों की होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी उपभोक्ताओं को सिलेंडर ना देकर बाजार में महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिंडोरी जिले में गैस उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह से गैस सिलेंडर वितरण करने वाला वाहन होम डिलीवरी करने नहीं आया, और आया भी तो दूसरी जगह सिलेंडर बेचकर चला गया। वाहन के कर्मचारी गैस सिलेंडर को ऐसे लोगों को बांट रहे हैं जो इनका व्यावसायिक उपयोग करते हैं या फिर 1300 से 1500 रुपये में ब्लैक में बेचते हैं। वहीं संबंध में जब गैस कर्मचारी से सवाल किया गया तो वो जवाब देने के बजाय कैमरे से बचता दिखा, क्योंकि इनके पास कोई तार्किक जवाब इस बारे में नहीं था। इस मामले पर गैस एजेंसी के संचालक परमेश्वर पांडे से बात की गई तो उनका अपना अजीब सा उत्तर था। वे कहते हैं कि उपभोक्ता को महीने में हम चाहें तो 30 गैस सिलेंडर की टंकियां भी दे सकते हैं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। इस पूरे मामले में गैस एजेंसी के मालिक से लेकर गैस सप्लाई करने वाले तक सबकी मिली भगत है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के होटलों में हो रहे उपयोग की बात जब सामने आती है तो गैस एजेंसी के संचालक सारा ठीकरा खाद्य विभाग पर फोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गैस एजेंसी के संचालक और उनके कर्मचारियों की मिली भगत से ही गैस सरे बाजार बेची जाती है। स्थिति ये है यहाँ पे कि लगभग लगभग एक हफ्ते से तो मैं खुद उपभोक्ता हूँ, मुझे खुद गैस की ज़रूरत है, लेकिन जब लगाया जाता तो ये बोला जा रहा है कि गैस आ नहीं रही। और आज आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि गाँव से बाहर एक नहर है 1 किलोमीटर आगे, वहाँ पे इनकी गाड़ी ब्लैक में सप्लाई कर रही है, जो अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि बाइक में ले लेके लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे ये कंडीशन है कि घरेलू जो उपभोक्ता है, जो घरेलू गैस है, वो होटलों में और किराना दुकानों में संचालित हो रही है, जो 1400-1500 रुपए में ये बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक मनी दिया जा रहा है। शाहपुर में जो उपभोक्ता है उनको जो बुकिंग किए थे उनको डिलीवरी देने के लिए हमारी गाड़ी निकली थी, बीच रास्ते में कुछ उपभोक्ता लोग सिलेंडर लेके आ रहे थे तो उन्होंने गाड़ी रोक के पूछा कि भैया हमारी बुकिंग है और हमारे घर में कब तक दोगे। उसी दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ना उनको सिलेंडर वहाँ रास्ते में दिया गया है और ना ही किसी प्रकार का ब्लैक में पैसा लिया गया है, जो निर्धारित दर है उसकी दर में दी गई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।